हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बब्ल्यू रट्स। गाइज आज के इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप 3D प्रोफाइल फोटो एडिटिंग करेंगे, तो वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है, यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो न्यू पिक्सआर्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वाइट बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपने ध्यान से देखने, ठीक है ना। ड्रा वाले टूल पे जाएंगे, ड्रा वाले टूल पे हमने टैप करना है। टैप करने के साथ ही आपने पहला जो काम करना है वो शेप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करना है या कोई और शेप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे करना है आपने, इसको फिल करना है, ओके करना है। फिर कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से अपना मन पसंदीदा जो कलर आपको पसंद है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। मैं ये वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसकी आप सेचुरेशन भी अप डाउन कर सकते हो। यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से ये सर्कल को ड्रा करेंगे, ऊपर से नीचे ड्रा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, ये बिल्कुल सर्कल लगे, ठीक है ना। इसको आप कॉर्नर से आप एडजस्ट भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। दोबारा से हम शेप पे जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको सर्कल ही को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्ट्रोक पे जाएंगे, यहाँ से इसकी साइज़ को हम 15 रखेंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद कलर पर जाएंगे, यहाँ से ब्लैक कलर या कोई और कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसको आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से पहले एडजस्ट कर लेना है। ये पहले ये सर्कल बनाओ, उसके बाद ये वाला आपने सर्कल जो राउंड वाला है बगैर स्ट्रोक है वो आप ऐड कर सकते हो। अपनी मर्जी से आपने उसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। कॉर्नर वाली साइड से एक साइड से खींचेंगे, दूसरी साइड से खींच के आपने सेलेक्ट करना है और ये डन हो चुका है। यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं, उसके बाद हमने क्या काम करना है, स्क्रोल अप करना है और ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है। यहाँ से आप अपनी एक अच्छी सी फोटो आपने ऐड करनी है जो आपके अच्छे पोज में बनी हो। अगर आपको मेरी वीडियो फोटो अच्छी लगी तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। उसके बाद कट आउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम फोटो का बैकग्राउंड रेज करेंगे। जस्ट एक मिनट के अंदर पर्सन पे हमने टैप करेंगे, एक सेकंड के अंदर हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेज हो जाएगा। अब अगर कोई एरिया बच गया या गलत हो जाता है तो आपने ऊपर क्रॉस से या पीछे भी कर सकते हो, ठीक है ना, एरो से। उसके बाद ब्रश वाले टूल पे जाएंगे, ब्रश से आपने ब्रश के क्या काम करना है, जो जगह रहती है ब्रश पे टैप करना है, इसके साइज़ को थोड़ा हार्डनेस को थोड़ा बढ़ाना है, साइज़ को कम करना है और क्या काम करना है, यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाय ड्रॉ नहीं करना है और यहाँ से आपने इसको डन करना है। अगर किसी और जगह से कोई गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है आप उसको रेज से भी सेट कर सकते हो। उसके ऊपर आपने एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है, घुमा सकते हो, थोड़ा सा बड़ा करना है। अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद ओपीसीटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसके ओपीसीटी को कम करते हैं, ठीक है, 50, ताकि हमें बैकग्राउंड वाला एरिया भी दिखाई दे। उसके बाद हमने रेजर वाले टूल पर जाना है, रेज पर जाना है, इसके हार्डनेस को फुल करना है, ओपीसीटी को फुल करना है, साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है, अपने मुताबिक आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आपने इस सर्कल पर आपने उसके सर्कल के बाहर जो एरिया है उसको आपने ड्रॉ करते जाना है, ठीक है ना। सर्कल के बाहर वाला जो एरिया ना आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉ करते जाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने सर्कल के बाहर वाले एरिया को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ड्रॉ करने के बाद, जिस तरीके से इसको रेज करने के बाद, यहाँ से हमने इसको डन कर देना है। उसके बाद हमने इस फोटो को यहाँ से डाउनलोड कर देना है। अब इस फोटो को हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लगाएंगे और आप ये चेक कर सकते हो हमारी 3D व्हाट्सएप प्रोफाइल एडिटिंग। और इसी तरह से आप इसी फोटो को इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी लगा सकते हो, DP पे भी लगा सकते हो। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।